सो मैंने अपने इस इंस्टाग्राम पेज को 100 फॉलोअर्स से 2,10,000 फॉलोअर्स तक पहुंचाया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 डेज के अंदर। पर कैसे, तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप भी अपने इंस्टाग्राम पेज को इसी तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है इस वीडियो को अंत तक देखना तो बनता है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में 5 इंस्टाग्राम एल्गोरिदम हैक्स या फिर सीक्रेट जिसकी मदद से आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो। जी हाँ, तो सभी तो इंपॉर्टेंट है, पर लास्ट में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो एकदम आपने कहीं भी नहीं सुना होगा इसके बारे में, जो कि मैंने प्रैक्टिकली यूज किया है, इसी वजह से मुझे ग्रोथ देखने को मिला है। तो लास्ट तक जरूर बने रहना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का जो एनालिटिक्स है, ग्राफ है, मैं उसको सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो लास्ट 2 मंथ में मेरा इंस्टाग्राम का जो फॉलोअर्स का काउंट है वो इस तरीके से बढ़ा है। पहले तो एकदम डेड टाइप का ही था, एकदम फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे थे। अचानक से बूम, एक दिन में 40,000 तक भी मेरे फॉलोअर्स गए हैं, और जो मेरे पेज के जो 99.9% फॉलोअर्स है वो आए सिर्फ और सिर्फ उसी 15 से 20 दिन के अंदर। पर इसका मतलब क्या है, क्या मैंने तभी इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया और मेरा पेज ग्रो होने लगा? नहीं, मैं कंसिस्टेंट था, मैं 2 से 3 महीने पहले से अपना पेज स्टार्ट कर दिया था और उस पर कंसिस्टेंटली मैं वीडियोज और पोस्ट करता रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको भी अपने पेज को स्टार्ट करते ही 15-20 दिन के अंदर जितना भी अच्छा कंटेंट डालो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको स्टार्ट करना है और भूल जाना कि आपने वीडियो डाला है। एक कहावत आपको याद रखना है, नेकी कर दरिया में फेंक, मतलब क्या वीडियोस या फिर फोटोज अपलोड कर रहे हो और आपको भूल जाना है। और अगर आप शिद्दत से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करते रहे, आपको कोई नहीं रोक सकता इंस्टाग्राम में ग्रो होने में। तो पहले भी मैं जब वीडियोस अपलोड करता था इस पेज पे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता था कि यार फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, तो यार छोड़ दो, मैंने बीच में छोड़ दिया था। पर बाद में मैंने सोचा नहीं भाई, फॉलोअर्स आए ना आए, भाड़ में जाए, मुझे वीडियोस अपलोड करना है। तो उसके बाद मैंने जब वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली ग्रोथ देखने को मिला। एक दिन में 40,000 तक मेरे फॉलोअर्स गए थे भाई, अनबिलीवेबल, मुझे सपना फील हो रहा था तब। ये था सबसे पहला सीक्रेट, कंसिस्टेंसी। जी हाँ, आपको ध्यान नहीं देना है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, लाइक्स आ रहे हैं कि नहीं, आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी मेंटेन करना है। तो अभी बात करते हैं हमारे दूसरे एल्गोरिथम सीक्रेट के बारे में। तो सबसे पहले आप जब भी कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करना चालू कर दोगे, आपको कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों बाद आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, लाइक कुछ में आपको 10K देखने को मिलेगा या फिर किसी में 50K या फिर किसी में 100K भी चला जाएगा, ऐसे वीडियोस आपके होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उसी टाइप के कंटेंट को रिपीट करना है। जी हाँ, हमारा सेकंड इंस्टाग्राम एल्गोरिथम सीक्रेट है, रिपीट योर बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट। जी हाँ, आपको देखना है आपका जो भी रील या फिर पोस्ट अच्छा काम कर रहा है उसी को आपको रिपीट करना है या फिर रिक्रिएट करना है, उसी टाइप के सिमिलर वीडियोस या फिर पोस्ट बनाना है। जिससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो वो रील है वो भी वायरल होने लगेगा उसी के साथ साथ। और मैंने भी वही चीज़ें दोहराया, मैंने क्या किया, मैंने जब देखा मेरे इस रील पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, वायरल हो रहा था, तो मैंने सिमिलरली उसी तरीके का कंटेंट एक और बना के अपलोड कर दिया और मुझे एज एक्सपेक्टेड उसमें भी अच्छा खासा व्यूज देखने को मिला। इसी तरीके से मैंने रिपीट करता गया और मेरा एक के बाद एक वीडियो वायरल होता गया। कुल मिला के बात यह है कि आपको अपने जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट है उसको एनालाइज करना है और उसको रिक्रिएट करना है या फिर उसी टाइप के कंटेंट को बनाना है। सो लेट्स गेट इनटू आवर थर्ड एल्गोरिथम सीक्रेट, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। जी हाँ, तो मैंने तो बोला कि कैसे आप अपने रील को वायरल कर सकते हो, बेस्ट परफॉर्मिंग रील को आप रिक्रिएट करो या फिर कंटेंट को रिक्रिएट करो, आपके रील्स वायरल होने चालू हो जाएंगे। बट तो अगर आपका कंटेंट वायरल होने भी लगा और उसमें लाखों में लाइक्स आने भी लगे तो भी आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पेज को ऑप्टिमाइज नहीं किया है, ऑर्गेनाइज नहीं किया है। क्योंकि जब भी लोग आपके पेज को विजिट करेंगे उनको प्रोफेशनल नहीं लगेगा, वो फॉलो बिना करे चले जाएंगे और आप अपने व्यूवर्स को फॉलोअर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। और आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हुए आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका DP, दूसरा आपका बायो और तीसरा आपका हाईलाइट और चौथा आपके रील्स का कवर। जी हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा इस पेज को, इसको अगर आप स्क्रॉल करोगे बहुत ही प्रोफेशनल वाइब आता है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, लोगों को पता चल जाता है उनको हमारे पेज से क्या मिलेगा, हमारे इस वीडियो से क्या मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको भी अपने पेज को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, अदरवाइज लोग आपके पेज पर विजिट करेंगे और अनप्रोफेशनलिटी देख के वो आपको बिना फॉलो करे चले जाएंगे। और हाँ, कैसे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं उसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा। तो आप YouTube पर सर्च करके आराम से देख सकते हो, सीख के अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरा जो सीक्रेट एल्गोरिथम हैक है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेना है। पर क्यों, रुको बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आपका जो मल्टीपल अकाउंट जो आप बनाओगे उसी सभी से आपका जो पेज है उसको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद बारी आती है दूसरा स्टेप, आप जब भी कंटेंट अपलोड करोगे, चाहे पोस्ट करो या फिर रील अपलोड करो, उसके बाद आपको अपने जो दूसरे अकाउंट से उस पर जाके उस पर एंगेजमेंट अच्छे से देना है, उस पर अच्छे से लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है मल्टीपल टाइम्स और उसको सेव भी करना है। ठीक है, तो यही आपको सारे के सारे अकाउंट के साथ करना है। और आप ये अपने फैमिली मेंबर के मोबाइल से भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा होगा उतना ही फायदा है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप नया कंटेंट अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम एक ऑडियंस को भेजता है, आपके फॉलोअर्स तक भेजता है। ठीक है, उसके बाद जो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है इनिशियल ऑडियंस,
तब इंस्टाग्राम और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। अगर आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके पास कंटेंट पहुँचेगा वो अगर इग्नोर कर देंगे तो इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को रोक देगा वहीं पे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको नकली ऑडियंस बनना है अपना ही। तो उसी तरीके से एंगेजमेंट अगर आप दोगे तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के पास एक पॉजिटिव साइन जाएगा कि नहीं भाई इस कंटेंट में दम है, तो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए हम अपना काम कर सकते हैं, अपना खुद का ऑडियंस बन के और अपने कंटेंट को और ज़्यादा लोगों तक पुश किया जा सकता है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो यार इवेंचुअली वो पिटी जाएगा, पर इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो मेरे अपने हर पोस्ट पे मैं अब भी कमेंट करता हूँ और लाइक करता हूँ और शेयर भी करता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये एल्गोरिथम हैक ट्राई करना है जिससे कि इंस्टाग्राम को पॉजिटिव साइन मिलता है। और हाँ, ये जो एल्गोरिथम सीक्रेट है ये मैंने खुद फिगर आउट किया है और इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है और मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको भी इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप भी ट्राई करना। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अपने रील को मल्टीपल टाइम्स देखना भी, वॉच टाइम बढ़ाना, जिससे कि इंस्टाग्राम को और ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नहीं नहीं बोला था 5 टिप्स बताऊंगा ना, अभी तो 4 ही हुए हैं, तो यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आजकल आप लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया, तो यार अगले वीडियो में बताऊंगा। इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करने में सिर्फ और सिर्फ ये 3-4 सीक्रेट्स ही नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये एक सीरीज होने वाली, ये था पहला वीडियो, इसके बाद और वीडियोज़ आने वाला है जिसमें कि मैं A to Z धीरे धीरे एकदम छोटे से छोटा डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे इंस्टाग्राम पेज को ग्रो किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 4 टिप्स से कुछ नहीं होता भाई, बहुत सारी चीज़ें मिला के इंस्टाग्राम पेज ग्रो होता है। तो अगर आपको भी ग्रो करना है, हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यार आने वाले वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्द मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और हाँ अगर इस सीरीज़ का पार्ट 2 आ चुका है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए